नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता बिल के पारित होने के बाद जनजातीय समाज में फैलाए गए भ्रम को दूर करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने प्रेस वार्ता में कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में सामान्य नागरिक संहिता का जो बिल लाया गया है उस बिल में स्पष्ट रूप से जनजातीय समाज को बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भाजपा जनजातीय समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित है। जेबी तुबिद ने कहा कि इस बिल को लेकर क्षेत्र में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो बिल लाया गया है उसमें स्पष्ट रूप से जनजातीय समाज को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनजातीय समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित है और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में जनजातीय मंत्रालय का भी गठन किया और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को दो कार्यक्रम लॉन्च किया जिसमें विकसित भारत संकल्प तथा जन्म योजना मुख्य है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प उस ओर इशारा करता है, इसका लाभ हर उस व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचे जिनके लिए योजना शुरुआत की गई है और जनमन योजना उनके लिए है जो जनजातीय समाज के लोग पहाड़ों में रहते हैं या मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और वह कटे हुए हैं। वह योजना का लाभ उन लोगों को मिल सके और प्रधानमंत्री ने लोगों के लिए कार्य करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा तथा चक्रधरपुर के विधायक शशिभूषण सामंत ने भी अपनी बातों को रखा। समय समय पर इस विषय को लेकर नागरिकों के बीच भ्रम का वातावरण पैदा करते रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर यह संहिता लागू हो जाएगी तो जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय समाज की जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं आपको विशेष रूप से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य बिंदु है जिस ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी अभी जो उत्तराखंड में बिल लाया गया है उस बिल में स्पष्ट रूप से जनजातीय समाज को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए ये इस क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए संकल्पित है, जनजातीय समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रही है। और इसी जो कानून अभी लाया गया है या अभी उत्तराखंड में जो वहाँ का मुख्यमंत्री जो लाया है ये सही चीज़ है और इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ हमारे जो भी आदिवासी लोगों को यहाँ गलत भड़काया जा रहा है कि ये अब अगर आदिवासी आप ये कानून लागू हो जाने से आपका पूजा पाठ या आपका धर्म भी मैंने आप लोग को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन हमारे लोगों को अभी थोड़ा बहुत शिक्षा की कमी है, इसी कारण से इन लोग तुरंत इन लोग विश्वास कर जा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग उन लोग समझ रहे हैं, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करती है वो यहाँ का सभी जो हमारे मूलवासी हो आदिवासी हो हमारा देश में जो भी जात हमारे रह रहे उनके लिए ही वो कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा आज आदिवासी का विरोध नहीं है। संविधान का सेक्शन 44 सबके लिए समान अधिकार की बात करता है। देश में कुछ विशेष समुदाय के लोगों को उनको समानता का जो अधिकार है उससे ज़्यादा मिला था तो उससे उनको भी बहुत क्या कहेंगे घाटा हो रहा था, उनकी महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से
धारा 370 के साथ समान नागरिक संहिता को भी खत्म करने की बात किया था, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आचार जो भी घोषणा पत्र में जो भी बात करती है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करती है, चाहे अयोध्या का मामला भी हो। तो ये यूसीसी का जो कानून है ये उत्तराखंड में आया है। इसके साथ साथ जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे असम हो, उत्तर प्रदेश हो, निश्चित रूप से इन राज्यों में भी यूसीसी पास होगा और उसी आधार पर लोकसभा में इसको पास किया जाएगा। तो ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में इस पर पालना करनी पड़ेगी। बसंत पंचमी के अवसर पर विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर उनकी प्रतिमा का निर्माण कार्य में चाईबासा शहर के कुम्हारटोली निवासी मूर्तिकार प्रजापति के परिवार जुट गए हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती की प्रतिमा का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई क्षेत्रों में जारी है। बेहतर मूर्ति निर्माण को लेकर विद्यार्थी मूर्तिकार के पास पहुंच रहे हैं, मूर्ति की खरीदारी को लेकर एडवांस भी दे रहे हैं, साथ ही मूर्तिकार को अपने अनुरूप बेहतर मूर्ति बनाने की सलाह भी दे रहे हैं। मूर्तिकार कुम्हारटोली निवासी ध्रुव प्रजापति बताते हैं कि मूर्ति को लेकर कई लोगों का ऑर्डर आ गया है। 1500 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक की मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ध्रुव प्रजापति ने बताया कि पूरे परिवार मूर्ति के निर्माण में जुटे हैं, कई पीढ़ी से परिवार के लोग मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, यही कारण है कि उनके द्वारा मिट्टी को मूर्ति का नायाब रूप देखकर हर कोई तारीफ करने पर विवश है। यहाँ की मूर्ति का डिमांड भी लोगों के बीच काफी है। ध्रुव प्रजापति मूर्ति बन रहा है अभी ना? हाँ। कैसे बना रहे मूर्ति अभी? दिन रात काम चल रहा है, पूरा परिवार मिलकर बना रहे हैं। परिवार में कौन कौन साथ दे रहा है? भैया है, मम्मी है, पापा है, दादी है, दीदी है, सब साथ दे। सब मिल कर बना रहे हैं। कहाँ कहाँ तक जाता है मूर्ति? बहुत दूर दूर तक जाता है, गांव वाला भी जाता है, फिर लोकल भी, अकाउंट तरफ भी जाता है। और कितना से कितना तक मूर्ति बना रहे हैं? कितना जैसा मूर्ति है वैसा प्राइस है, लोअर का लोअर है और बड़ा का तो हायर प्राइस। फिर भी कितना? कम से कम 1500 से 5000 तक है। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार। ये मूर्ति कितने का होगा? मूर्ति मरवस्ती का मूर्ति है इसलिए थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, 12-13 हज़ार है। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम ध्रुव प्रजापति। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना, हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में चार पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। हार्ट फुलनेस संस्था के तत्वाधान में इनर व्हील सदस्यों के द्वारा 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन नवोदय विद्यालय झिप्पानी में किया गया। ध्यान शिविर में इनर व्हील की अध्यक्ष भावना राठौर ने कहा कि ध्यान करने से विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ती है, इससे मन शांत रहता है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित रहती है। उन्होंने कहा कि ध्यान शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों में परीक्षा का भय हटाकर उनकी याद शक्ति को बढ़ाना है। ध्यान शिविर में विद्यार्थियों के बीच ध्यान से संबंधित खेल कराए गए,
इस मौके पर उप प्राचार्य पंकज कुमार गुप्ता, जिगपानी के थाना प्रभारी रवि रंजन, शिक्षक विजय परमार, हर्षा परमार, कमल राठौर ने विद्यार्थियों को ध्यान के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चाईबासा के 174 बटालियन के कमांडेंट संजय कुमार सिंह के निर्देश पर मुफस्सिल थाना के अंजित बेड़ा गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में बीमार, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चों का डॉक्टर बी नारायण पत्तम सेठी ने जांच किया। जांच के उपरांत मरीजों के बीच दवाइयों का वितरण किया गया। इस मौके पर बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी गई। इस अवसर पर उप कमांडेंट धर्मेंद्र नारायण सिंह, सहायक कमांडेंट महेंद्र कुमार महाला, निरीक्षक उत्तम देवनाथ, आरक्षी राजेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया मुंडा जॉन तामसोए, डाकुआ तुर्रम के अलावे जवान और ग्रामीण उपस्थित थे। झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक चाईबासा स्थित कार्यालय में आसमान सुंडी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 18 फरवरी को जगन्नाथपुर स्थित मोंगरा नदी किनारे मिलन समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व विधायक और आंदोलनकारी मंगल सिंह बबुंगा ने कहा कि जब तक झारखंड आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अलग झारखंड आंदोलन में हुए शहीदों का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को आगे की रूपरेखा तैयार होगा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सुनार पट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू ने स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आदिवासी हो बहुल, पश्चिमी सिंहभूम के गांव में माघी पर्व के उपलक्ष्य पर शिक्षा विभाग ने 23 फरवरी को जिले के स्कूलों में माघी पर्व की छुट्टी की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने यह छुट्टी जिले के सभी कोटी के सरकारी, गैर सरकारी और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लागू की है। पश्चिमी सिंहभूम के जिला शिक्षा अधीक्षक ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए कहा है कि विभिन्न शिक्षण संगठन और सामाजिक संगठनों के अनुरोध पर 6 फरवरी की घोषित छुट्टी में संशोधन करते हुए 23 फरवरी को अवकाश की घोषणा की है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक की इस घोषणा को हो समाज के लोगों ने स्वागत किया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्या के 2 आरोपी माटा सुंडी उर्फ सोपो और बुंदीराम बिरवा को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना के संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ 22 अगस्त 2021 को हाटगमरिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया है कि शांति सुंडी का पति सोनाराम सुंडी की दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी को इंश्योरेंस कंपनी की ओर से हरजाना के रूप में पैसा मिला था। अभियुक्त माता सुंडी द्वारा शांति सुंडी से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कह रहा था। शांति ने इंश्योरेंस कंपनी के पैसे से मोटरसाइकिल खरीदने से इनकार किया। मोटरसाइकिल नहीं खरीदने पर दोनों अभियुक्तों ने चाकू से वार कर शांति सुंडी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया था। अदालत को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।
आदिवासी शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चाईबासा TRTC में बिरसा के तत्वावधान में 6 एवं 7 फरवरी को वन अधिकार अधिनियम 2006 पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में मझगांव, कुमारडुंगी और हाटगमरिया प्रखंड के वन अधिकार समिति के सदस्य शामिल हुए। बिरसा ने इस प्रशिक्षण में अपने पारंपरिक सीमा के अंदर परंपरागत अधिकार के लिए दावा पेश करने और अभिलेख तैयार करने पर चर्चा की। इस मौके पर वन अधिकार समिति के सदस्यों को दावा पत्र के साथ संलग्न होने वाले आवश्यक दस्तावेज एवं वनों का नजरी नक्शा बनाने के बारे में जानकारी दिया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।